हाय, दिस इज रेणुका, एन एजुकेटर ऑफ कंटेंट रीजनिंग। आज हम सॉल्व करेंगे दो मेंस लेवल डीआई बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। एक टेबल वाला डीआई होगा और एक केसलेट डीआई होगा, ठीक है? आप पहले हर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना और एट द एंड ऑफ द सेशन मुझे कमेंट करना कि आप आउट ऑफ टोटल कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द सेशन। सो दिस इज द डीआई, देखो क्या कह रहा है। The given table shows the probability of drawing a ball of different colors at random from two boxes A and B. Number of green balls in box A is 5 and number of red balls in box B is 6. ठीक है, पहले यहाँ पे ये समझो कि टेबल में गिवन क्या है। दो बॉक्स है, बॉक्स ए और बॉक्स बी, ठीक है? और हर एक बॉक्स में डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स, ठीक है? और हर एक कलर के बॉल में से एक बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, ठीक है? अगर मैं बॉक्स ए की बात करूं तो बॉक्स ए में एक व्हाइट कलर बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या गिवन है, 3 व्हाइट है। सिमिलरली अगर बॉक्स बी में एक ब्लू कलर बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी की बात करूं अगर, तो यहाँ पे 2/25 गिवन है, ठीक है? और यहाँ पे बॉक्स ए में एक ग्रीन कलर बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी मिसिंग है और बॉक्स बी में एक रेड कलर बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है? और यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स इन बॉक्स ए इज 5 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन बॉक्स बी इज 6, ठीक है? लेकिन हमें ये नहीं पता कि यहाँ बॉक्स ए में और बॉक्स बी में टोटल बॉल्स कितने हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि दोनों बॉक्स में टोटल बॉल्स कितने हैं और हर एक कलर में से कितने बॉल्स हैं, जैसे व्हाइट कलर बॉल्स कितने हैं, ब्लू कलर बॉल्स कितने हैं, ये भी निकालना पड़ेगा सब कुछ। तो पहले हम इनको निकाल लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं, टोटल मानते हैं। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमेशा टोटल होता है, राइट? तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है वो देखो, 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25, यहाँ पे तो मिसिंग है, ये छोड़ो। मैक्सिमम यहाँ पे क्या गिवन है डिनोमिनेटर, 25, राइट? तो हम ये मान सकते हैं कि बॉक्स बी में टोटल बॉल्स कितने हैं, 25 है, ठीक है? अगर बॉक्स बी में टोटल 25 बॉल्स है और यहाँ पे व्हाइट कलर बॉल एक निकालने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है 4/25, तो व्हाइट कलर बॉल कितने हो जाएंगे, 4, राइट? क्योंकि एक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी ये है ना, तो 4C1/25C1 होगा, तभी जाके 4/25 हो, राइट? तो यहाँ पे व्हाइट कलर बॉल हो गया 4, ब्लू कलर बॉल कितने हो जाएंगे, 2, येल्लो कितने हो जाएंगे, ये 1/5 है, 25 हमने टोटल माना था, तो इस 5 को 25 करेंगे तो इंटू 5 करेंगे, यहाँ पे भी 1/5 होगा, तो येलो कलर बॉल हो जाएंगे 5। तो यहाँ पे रेड कलर बॉल कितने गिवन है बॉक्स बी में, 6, ठीक है? और यहाँ पे ग्रीन कलर बॉल कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है? अब यहाँ पे ये चेक करो कि ये टोटल बॉल्स मिला के 25 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स बी में टोटल 25 बॉल्स माना है ना, तो ये इनका सम भी तो 25 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है 10, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है, 10 और 10 20 और यहाँ पे 5 25, यानी इनका सम 25 हो रहा है, यानी बॉक्स बी में टोटल 25 बॉल्स, ठीक है? अब आप ये सोचोगे कि मैम 25 बॉल्स ही क्यों, बॉक्स बी में 50 भी तो हो सकते हैं। होने को तो हो सकते हैं, 50 भी, 75 भी, 100 भी हो सकते हैं, मैं तो मान सकती थी। लेकिन जब आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो तो हमेशा मिनिमम अमाउंट को लेने की कोशिश करना, क्यों? क्योंकि यहाँ अगर आप 25 ना मानकर 50 मानते तो ये भी तो 4 नहीं होता, ये 8 हो जाता, ये भी 2 नहीं होता, ये 4 हो जाता, राइट? जिससे कैलकुलेशन थोड़ा आपका लेंदी हो जाता। इसीलिए हमेशा जब भी आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो तो मिनिमम अमाउंट लेने की कोशिश करो, ठीक है? तो यहाँ पे बॉक्स बी में टोटल 25 बॉल्स है, ठीक है? बॉक्स ए में कितने बॉल्स है वो निकालो। यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 है, मैक्सिमम 20 है, तो मान लो टोटल बॉक्स ए में 20 बॉल्स है, ठीक है? व्हाइट बॉल्स कितने होंगे, यहाँ पे 10 है, 10 इंटू 2 करोगे तो 20 होगा, 3 इंटू 2 करोगे तो 6 होगा, यानी व्हाइट बॉल्स कितने हैं, 6, ठीक है? ब्लू बॉल्स कितने हैं, 5 इंटू 4 करोगे तो 20 होगा, 1 इंटू 4 करोगे तो 4, 4 ब्लू बॉल्स है, ठीक है? येलो कलर बॉल्स कितने हैं, 10 इंटू 2 20, 1 इंटू 2, 2 येलो कलर बॉल्स है। रेड कलर बॉल्स कितने हैं, 20 है, ये 3 है, यानी 3 रेड कलर बॉल्स है। यहाँ पे ग्रीन कलर बॉल्स कितने गिवन है, 5 गिवन है, ये होगा 5। इनका सम करो, 20 हो रहा है कि नहीं, ये 10, ठीक है, और ये 10, 20, यानी 20 कलर बॉल्स टोटल बॉक्स ए में, 20 कलर बॉल्स,
ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हैं बॉक्स ए और बॉक्स बी में, वो भी निकाल लिया है, और ये भी निकाल लिया है कि कौन से कलर के कितने बॉल्स हैं। ठीक है, अब चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या गिवन है वो देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। इफ सेवन बॉल्स आर टेकन फ्रॉम बॉक्स बी एंड पुट इन टू बॉक्स ए एंड नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बॉक्स बी इज 2/51, देन वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए। ठीक है, कह रहा है बॉक्स बी में से सेवन बॉल्स निकाल के बॉक्स ए में डाल दिया गया। ठीक है, बॉक्स बी में टोटल बॉल्स कितने हैं, 25। ठीक है, टोटल है 25, सेवन बॉल्स निकाल दिया गया तो बचे कितने बॉल्स, 18। ठीक है, बॉक्स ए में कितने बॉल्स हैं टोटल, 20। ठीक है, सेवन इसमें डाल दिए गए तो अब बॉक्स ए में कितने बॉल्स हैं, 27। ठीक है, अब क्या कह रहा है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ग्रीन बॉल्स फ्रॉम बॉक्स बी इज 2/51। देखो ग्रीन बॉल्स बॉक्स बी में कितने हैं, 8 है, तो ये मत कर देना कि 8C2/25C2, ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ये जो सेवन बॉल्स निकाले गए ये कौन से कलर के बॉल निकाले गए, ये नहीं पता है ना। तो हो सकता है ग्रीन कलर बॉल निकाला हो या रेड कलर बॉल निकाला हो या कोई भी कलर बॉल निकाला हो, हमें नहीं पता ना कौन से कलर का बॉल निकाला है। और यहाँ पे गिवन है नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग टू ग्रीन बॉल्स, मतलब निकालने के बाद की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे गिवन है, राइट। तो हमें नहीं पता ग्रीन कलर बॉल्स अब है कितने। मान लो ग्रीन कलर बॉल्स अब है एक्स, तो दो ग्रीन कलर बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर, XC2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे टोटल बॉल्स अब है कितने, 7 निकालने के बाद, 18, 18C2। ऊपर यहाँ डिवाइडेड बाई 2 × 1, नीचे भी यहाँ डिवाइडेड बाई 2 × 1, वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू इसी का वैल्यू कितना गिवन है, 2/51, राइट। तो XC2 इज इक्वल टू कितना होगा, 2 × ये 18C2 कितना होगा, 18 × 17 डिवाइडेड बाई 51। 17 से डिवाइड करोगे तो 3, 3 से डिवाइड करोगे तो 6, 2 × 6 = 12, यानी XC2 की वैल्यू 12 आया, राइट। तो XC2 है क्या वैसे, x होल × x-1, राइट, इज इक्वल टू 12। तो ये x क्या हो सकता है, 4, ये 3 होगा तब जाके ये 12 होगा, है ना। तो x का वैल्यू आया 4, राइट, यानी अब ग्रीन बॉल्स बॉक्स बी में है 4, लेकिन यहाँ पे तो 8 है, यानी निकाला कितना है, यहाँ पे 4 बॉल्स निकाल लिया है, 4 ग्रीन बॉल्स निकाल लिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग वन ग्रीन बॉल फ्रॉम बॉक्स ए, वन ग्रीन बॉल बोल रहा है। यहाँ पे ग्रीन बॉल्स है कितने, 5, यहाँ 4 निकाल के यहाँ पे डाल दिया तो यहाँ पे ग्रीन बॉल्स हो जाएंगे कितने, 9, राइट। वन ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो 9 बाई यहाँ पे टोटल बॉल्स कितने हैं, 27, 27, 9C1 होगा, 27C1 होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा है, 9/27 लिख दिया है। ठीक है, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 3, 1/3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। What is the probability of 3 red balls or 2 blue balls drawn at random from box B? ठीक है, box B की बात करा है और 3 red balls की बात करा है, तो red balls यहाँ पे है कितने, 6, 6C3 divided by 25C3, और यहाँ पे और की बात करा है, and मतलब होता है into, और मतलब plus होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, plus 2 ब्लू बॉल्स बोल रहे हैं, ब्लू बॉल्स है कितने यहाँ पे, 2, 2C2 डिवाइडेड बाई 25C2। ठीक है, ये कितना होगा, 6 × 5 × 4 डिवाइडेड बाई 25 × 24 × 23, ये 6, 4, 24, 24 कैंसिल, 5 से डिवाइड करोगे तो 5, ये कितना होगा, 1/5 × 23, प्लस ये कितना होगा, 2C2 का वैल्यू क्या होता है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्रोबेबिलिटी के ऊपर तो आपको पता होगा 2C2 का वैल्यू होगा 1, क्योंकि NCN का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो 1 बाई ये कितना होगा, 25C2, 25 × 24 डिवाइडेड बाई 2 × 1 होता है, 2 से कैंसिल करोगे तो 12, ये कितना होगा, 25 × 12। ठीक है, अब इनका LCM लोगे
क्या एलसीएम होगा? यहाँ पे ये 5 × 5 है, राइट? यानी 5 × 12। 5 को अगर हम कॉमन लेंगे तो 5 × यहाँ पे 23, यहाँ पे ये 5 × 12 60, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 5 × 23 चला गया बचा 60, प्लस यहाँ पे 5 × 60 चला गया बचा 23, ठीक है। तो ये कितना होगा, 83 डिवाइडेड बाई ये कितना होगा, 5 × 6 = 300, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6, 60 900। 83 / 60 900 क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू व्हाइट बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स बी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल्स ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स ए, ठीक है। बॉक्स बी में से टू व्हाइट बॉल्स कह रहा है, बॉक्स बी में व्हाइट बॉल्स है कितने, 4, तो 4C2 डिवाइडेड बाई टोटल है 25, 25C2 माइनस डिफरेंस की बात करा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू रेड बॉल्स बॉक्स ए में से कह रहा है, बॉक्स ए में रेड बॉल्स यहाँ पे है कितने, 3, 3C2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स यहाँ पे 20 है, 20C2, ठीक है। ये कितना होगा, 4 × 3 डिवाइडेड बाई 25 × 24, 4 से डिवाइड करोगे तो 6, 3 से डिवाइड करोगे तो 2, माइनस ये कितना होगा, 3 × 2 डिवाइडेड बाई 20 × 19, 2 से डिवाइड करोगे तो 10, ये कितना होगा, 1/25 × 2 50, माइनस ये कितना होगा, 3/190। तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा, 50 × 190 का 950, राइट। यहाँ पे कितना होगा फिर, 50 जाएगा तो 19, माइनस यहाँ पे 190 जाएगा तो बचा 5, 5 × 3 15, तो ये कितना होगा, 4/950, 2 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 से डिवाइड करोगे तो 475, 2/475 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, If one ball is drawn at random from each box, then what is the probability of one white color ball from box B and one red color ball from box A? ठीक है, one ball निकालने की बात कर रहा है और box B में white color ball कितने हैं यहाँ पे? Probability यहाँ पे already given है, 4/25, 4/25 into red color ball box A में कितने हैं यहाँ पे? 3/20, 3/20, 4 से divide करोगे तो 3/125 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ टू बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स बी देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। बॉक्स बी की बात कर रहा है और येलो कलर बॉल की बात कर रहा है, यहाँ पे येलो कलर बॉल्स है कितने, 5, ठीक है। टू बॉल्स की बात कर रहा है तो कितना होगा, 5C2 डिवाइडेड बाई 25C2, ठीक है। ये कितना होगा, 5 × 4 डिवाइडेड बाई 25 × 24, 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 4 से डिवाइड करोगे तो 6, 5 × 6 = 30, 1/30 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं टेबल वाला प्रोबेबिलिटी डीआई का, ठीक है। अब चलो देखते हैं केसलेट डीआई जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है उसको देखते हैं, ठीक है। और ये रहा केसलेट डीआई बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, देखो क्या कह रहा है, इन ए बॉक्स देर आर टू बैग्स, बैग ए एंड बैग बी, इन बैग ए देर आर सम ब्लैक बॉल्स एंड इन बैग बी देर आर सम रेड बॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है बैग ए हैज मोर बॉल्स देन बैग बी, ठीक है। दो बैग्स है, बैग ए और बैग बी, ठीक है। बैग ए में कितने बॉल्स हैं हमें नहीं पता, बैग बी में कितने बॉल्स हैं ये नहीं पता हमें, लेकिन यहाँ पे गिवन है बैग ए में जो है मोर बॉल्स है देन बैग बी, और बैग ए में ब्लैक बॉल्स है और बैग बी में रेड बॉल्स है, ठीक है। मतलब बैग ए में अगर मोर बॉल्स है मतलब ब्लैक बॉल्स ज्यादा है रेड बॉल्स है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल एंड वन रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट इज 40/87, और यहाँ पे गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू रेड बॉल्स इज एक्स,
और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है, फाइंड द ब्लैक बॉल्स इन बैग ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 में है, और क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन बॉल फ्रॉम बैग बी। ठीक है, इतने क्वेश्चंस गिवन है। हमें अगर नहीं पता बैग बी में कितने बॉल्स हैं, बैग ए में कितने बॉल्स हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि बैग ए में कितने बॉल्स हैं, बैग बी में कितने बॉल्स हैं, यानी ब्लैक बॉल्स कितने हैं, रेड बॉल्स कितने हैं, वो निकालो पहले। ठीक है, कैसे निकालोगे कितने ब्लैक बॉल्स हैं कितने रेड बॉल्स हैं? देखो इस स्टेटमेंट को देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल एंड वन रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट इज 40/87 कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैक बॉल कितने हैं, रेड बॉल्स कितने हैं, आपको नहीं पता है, राइट? पहले ये समझो कि विदाउट रिप्लेसमेंट होता क्या है। अगर आप ये नहीं समझोगे तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे कितने ब्लैक बॉल्स थे कितने रेड बॉल्स। ठीक है, मान लो कि ब्लैक बॉल्स हैं 10, ठीक है, रेड बॉल्स हैं 15, तो टोटल बॉल्स है कितने, 25, राइट? अब ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल वन रेड बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट इज 40/87। ठीक है, तो वन ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10/25, राइट, इनटू वन रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है। तो एक जो ब्लैक बॉल आपने निकाला उसको एक बॉल निकाल के आपने साइड में रख दिया। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यही है कि आपने उस बॉल को रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, मतलब अब बॉल्स बचे कितने हैं बैग में, 24, क्योंकि आपने एक तो निकाल दिया है ना। ठीक है, तो टोटल बॉल्स अब बचे हैं 24। रेड बॉल्स है कितने, 15 15 बाई 24। ये एक केस हो सकता है। एक और केस क्या हो सकता है, पहला बॉल रेड बॉल हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे पहले ब्लैक बॉल निकाला वैसे ही पहला बॉल रेड बॉल भी हो सकता है, राइट? तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 15/25 इंटू फिर ब्लैक बॉल कितने हैं, 10 10 बाई 24 होगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, देखो 25 25 दो बार आ रहा है, 24 24 दो बार आया, 10 10 दो बार, 15 15 दो बार। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 × 10/25 × 15/24, ऐसे भी तो हो सकता है। ये समझ आया, इसी का वैल्यू यहाँ पे 40/87 गिवन। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये समझ आ गया तो इसको देखो, यहाँ पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन ब्लैक बॉल, वन ब्लैक बॉल को बी मान लो, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स मान लो है एक्स, ठीक है, इनटू वन रेड बॉल आर मान लो, डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स अब कितने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है, एक निकाल लिया तो एक्स माइनस वन होगा, होल इनटू टू, ठीक है, इन इज इक्वल टू, इसी का वैल्यू गिवन है 40/87। ठीक है, तो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो कितना होगा, 2 से 20 20/87। ठीक है, अब यहाँ पे इस 87 को ऐसे ब्रेक करो कि हमें ये x और x माइनस वन मिल जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x इंटू x माइनस वन होके फिर 87 हुआ ना, तो यहाँ पे 87 को कैसे ब्रेक करोगे, ये कितना होगा, 29 × 3 होगा, तब जाके 87 हुआ, राइट? तो यहाँ पे एक जीरो लगा दो, कितना होगा, 30 × 29, राइट? यानी x को अगर हम 30 माने तो x माइनस वन 29, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर यहाँ पे एक जीरो लगाया है तो ऊपर भी एक जीरो लगा दो, 200 हो जाएगा। ठीक है, ये बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको एक आइडिया लगाना है कि आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 29 × 30 होगा, तब जाके एक्स माइनस हुआ ना, 87 हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये समझ आया। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको लगाना है कि एक आइडिया लगाना है कि आपको एक वैल्यू मिल जाए, ना कि आप बैठ के यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व करो। ठीक है, देखो यहाँ पे 29 × 30 यानी हमें एक्स का वैल्यू हमें मिल गया 30। ठीक है, यानी हमें ये टोटल बॉल्स का वैल्यू मिल गया 30, मतलब बी प्लस आर ब्लू और रेड कलर बॉल्स हैं, टोटल 30, और यहाँ पे b इंटू आर कितना आया, 200, राइट? तो b इंटू आर इज इक्वल टू 200, तो किन दोनों को मिलाओगे तो 30 होगा, इंटू करोगे तो 200 होगा, 10 और 20, राइट? 10 और 20 होगा, तब जाके 200 होगा, इंटू करने से प्लस करने से 30 होगा, राइट? तो अब यहाँ पे देखो, x का वैल्यू भी हमने निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 2 का, जो कि 30 आया, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 30 होगा।
क्वेश्चन नंबर वन का भी वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे कह रहा है बैग ए हैज मोर बॉल्स देन बैग बी, मतलब बैग ए में ब्लैक बॉल्स ज्यादा है, राइट, ब्लैक बॉल्स हैं और बी में रेड बॉल्स हैं, तो ब्लैक बॉल्स ज्यादा हैं, राइट। तो यहाँ पे ज्यादा क्या है, ये है, तो बैग ए में है 20 बॉल्स, तो क्वेश्चन नंबर वन का आंसर होगा 20, राइट। तो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन बॉल फ्रॉम बैग बी। बैग बी में बॉल्स कितने हैं, 10, राइट। अगर बैग ए में 20 है, बैग बी में कितने होंगे, 10, तो 2 बॉल्स कह रहा है, 1 बॉल कह रहा है, 10 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितने हैं, 30, ठीक है, तो 1/3 क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज हमने प्रोबेबिलिटी बेस्ड 2 मेंस लेवल डीए सॉल्व कर लिया है। आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स, दैट्स रियली हेल्प्स अस इन रीचिंग आउट टू मोर स्टूडेंट्स। सो या, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।